चौक में जहाँ पे हेमंत जी का पुतला जलाया गया है। आइए यहाँ की नेत्री से जानते हैं कि आखिरकार क्या परेशानी हो। मैम तो सर आपका स्वागत है, तो बताइए मैम क्या दिक्कत कुछ नहीं हो रही है। दिक्कत यही हो रही है कि मोदी और मोदी का मंत्री मुख्यमंत्री का सबका दिमाग खराब हो गया। महिलाओं का सम्मान करते ही नहीं है वो लोग। कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे। कल सोनिया जी पे टिप्पणी किए, राहुल जी पे किए। सोनिया जी का पूरे जीवन इस देश के लिए दे दी, राजीव गांधी के लिए सहारा हो गया उनका। और सोनिया गांधी जी पूरे देश के लिए अपने जीवन दे दी और उनके बारे में अपमान की बात कर रहे हैं। हिम्मत कैसे हुआ? वो एक महिला को नहीं, वो पूरे देश की महिला को अपमान कर रहे हैं। विश्व शर्मा जी इससे उनको तुरंत माफी मांगे, नहीं तो इस्तीफा दे, नहीं तो पूरे देश की महिलाओं को बता दी औकात बना दे की बीजेपी को उनको भी क्या होती है महिला। तो रोज रोज नया नया बेरोजगारी पे बात नहीं करना है, मेन मुद्दा पे बात नहीं करना है तो 8 वर्ष की प्रेम क्या हाईलाइट होना है? तो महिला है आपको टारगेट के लिए मिली है, औकात समझा देनी महिला की क्या महिला होती है। इसलिए आप मुंह संभाल के बीजेपी का नेता हो, चाहे बीजेपी का मंत्री हो चाहे कोई हो, मुंह संभाल के बोलना पड़ेगा महिलाओं के बारे में। सोनिया जी हो कोई महिला हो, महिला का फर्क नहीं सही। तो देखिए मैम ये पार्टी पे तो बात है, इसके साथ ही महिला की भी एक डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टिप्पणी की गई है, इसको आप किस तरीके से? हम कह तो रहे हैं कि लोग दूसरे के डीएनए के बात करते हैं, अपना जाके टेस्ट कराए ना डीएनए, सबसे पहले अपना अपना लोग टेस्ट कराए। पूरे बीजेपी का मंत्री ना वन बाई वन अपना डीएनए टेस्ट कराए तब दूसरा का डीएनए पे उंगली उठाएगा। कहा जाएगा कि वो उसके पास कुछ भी बोल देना है पागल की तरह झाड़ा नहीं, मैं बड़ बोला पंडित का तो है ही। डीएनए का अपना डीएनए पहले टेस्ट कराए, बीजेपी का एक मंत्री टेस्ट कराए, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाए कि उसका डीएनए सही है कि गलत है, वो किसका बेटा है, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाए। जी मैम लास्ट में आप क्या चाह रही है, बस आप इतना बताइए। माफी मांगे, माफी साहब, माफी मांगे नहीं तो इस्तीफा दे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। तो हमने देखा किस तरीके से निधि जी ने अपनी बातें बड़ी नेपाल की से हमारे सामने रखी। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं श्रेया गुप्ता आपसे आ रही थी, धन्यवाद।